बिहार के कोसी नदी में आई बाढ़ से सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के कई इलाके काफी प्रभावित हुए हैं। इलाके के दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन या सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ का पानी उनके गाँव और घर में घुसा है, इसके कारण अगले 3 से 4 महीने उन्हें ऐसे ही जलबंदी बनकर रहना पड़ेगा। परेशानी तो आप देख रहे हैं, कैमरा भी मौजूद है यहाँ पे, सब कुछ देखिए लिए हैं, कितना पानी है, कितना जुगाड़ से हम घर को बचा रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई देखने के लिए आए हैं, प्रशासन हो या कोई भी अंचल अधिकारी या पदाधिकारी कोई नहीं आया है। खास करके ये तो अथी है कि नाव का बहाली भी नहीं हुआ है, यहाँ पे घर से निकलने में मुश्किल हो गया है हम लोग को। उधर दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो 2 सितंबर से पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश का नया दौर जारी हो सकता है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अगले 5 दिनों तक छिटपुट बारिश हो सकती है। पूरे भारत पर मौसम प्रायः शुष्क रहेगा, कहीं पर छिटपुट स्थान पर कहीं पर यदि लोकल कन्वेक्शन की वजह से, स्थानीय कन्वेक्शन की वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ रेन हो जाए, उसके अतिरिक्त कोई लार्ज स्केल कोई फीचर नहीं है जिसकी वजह से कोई लार्ज स्केल मॉनसूनल रेन के कोई संभावना नहीं है अगले 24 घंटे में, बल्कि हम यूं कहें तो अगले 5 दिनों तक पूरा उत्तरी भारत और उसके साथ में पूरा का पूरा पश्चिमी भारत ये शुष्क रहने वाला है 5 से 7 दिन तक। हालांकि यदि हम बात करें, जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, कि 2 तारीख के आसपास एक हमें चक्रीय परिसंचरण उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर मिल सकता है, जिसके प्रभाव में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं उड़ीसा पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना, और 3 तारीख को यदि हम देखें तो उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर, दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। इसी के साथ तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड और ओडिशा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु और केरल जहां पर अगले 3 से 4 दिन तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ से लेकर के कई स्थानों पर प्राप्त होती रहेगी। और यदि हम पूर्वोत्तर भारत पर की बात करें तो यहां पर भी जो मानसूनी धारा है वो काफी दुर्बल इस समय चल रही है, और यहां पर भी किसी विशेष भारी वर्षा की संभावना अगले 5 दिन तक नहीं है। वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में 30 जुलाई को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। नई दिल्ली में 30 अगस्त को तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो 31 अगस्त को भी नई दिल्ली के इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी।